क्लास के बाद जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा ने इसकी सख्त मुजम्मत की, इस रवैये की, और उन्होंने ये कहा कि कंटेनर पे जो रवैया होता है और पार्लियामेंट में जो रवैया होता है वो मुख्तलिफ होता है। हम 3 साल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में किस किस्म का रवैया होना चाहिए तहरीक इंसाफ का, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ रही। तो मरियम औरंगजेब साहिबा शायद पार्लियामेंट में नहीं है, उनको ये अंदाजा नहीं है कि जिस वक्त PMLN यानी कि उनकी जमात ऑपोजिशन में थी और पीपल्स पार्टी जिस वक्त जो है हुकूमत में थी, उस वक्त PMLN पार्लियामेंट में क्या क्या करती रही है। सदर जदारी, उस वक्त के सदर आसिफ अली जदारी साहब की जब ज्वाइंट सेशन में स्पीच थी, मुकम्मल एहतजाज होता रहा, उस स्पीच के दौरान ऊंची आवाज में जो है खिताब करना पड़ा था आसिफ अली जदारी साहब को। और इसके अलावा जब बजट स्पीच पेश की गई थी हफीज शेख साहब की जानिब से, फाइनेंस मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी की, तो जो रवैया था PMLN का वो ऐवान में सब ने देखा था। और याद दिलाने के लिए मैं उसके चंद मनाजिर आपको दिखाता हूं जहां पे तह दुल्ताना साहिबा ने PMLN की MNA, उन्होंने आके चूड़ियां फेंकी हफीज शेख साहब के ऊपर, उनके ऊपर जो बजट की कॉपीज थी वो फाड़ के उनके चेहरे पे फेंकी गई, और एहसन इकबाल साहब एक रोटी लेकर आए हफीज शेख साहब की तरफ। तो ये हरकत पहले PMLN कर चुकी है जिस पर आज वो मुजम्मत कर रहे हैं। मैं याद दिलाने के लिए जरा ये क्लिपिंग्स आपको दिखाना चाहूंगा। पावर किया गया, हमें सूबों को मजीद इख्तियारात दिए गए, मैं मुल्क की हिफाजत के लिए बेशुमार कुर्बानियां देने वाले पाकिस्तान। इस तरमीम के जरिए 18 वजारत सूबों को मुंतकल की गई और वसीतर खुद मुख्तारी और ज्यादा वसाइल सूबों के अवाम की बेहतरी के लिए वहाँ मुंतजबात को जबान दी जाए और माशरे के कमजोर तबकात को इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में लाने को यकीनी बनाया जाए। मरियम औरंगजेब साहिबा जिस बात की आज आप मुजम्मत कर रही थी, ये रवैया पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में थी आपकी जमात भी दिखा चुकी है।